हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। टुडे इज़ इन माय वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन ग्रोथ की एक्सप्लेन करेंगे। वी सी व्हाट इज पॉपुलेशन एंड हाउ पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। सो BC NCERT lines one by one. The size of the population for any species is not a static parameters. तीसरा जो है कि population की जो size होती है किसी भी species का कोई इसका static parameter नहीं है कि उसका size किस तरह से increase होता है और decrease होता है। It keeps चेंजिंग विद टाइम, और यह जो है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर, जिसमें वेरियस फैक्टर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। तो स्टूडेंट्स, किसी एरिया का जो स्पीसीज का पॉपुलेशन होता है वह डिपेंड करता है वहाँ के फूड अवेलेबिलिटी पर, प्रीडेशन के प्रेशर पर और वेदर पे। ये थ्री फैक्टर्स हैं जो यह डिपेंड करते हैं कि उस एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। इनफैक्ट, वास्तव में इट इज दिस चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव राइज टू सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशंस, वेदर इट इज फ्लोरिशिंग ऑफ डिक्लाइनिंग। व्हाट वेयर माइट बी द अल्टीमेट रीजन्स द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन ए गिवेन हैबिटेट्स ड्यूरिंग ए गिवेन पीरियड फ्लक्चुएट्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट में कहें कि किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पॉपुलेशन डेंसिटी पर्टिकुलर एरिया का वो डिपेंड करता है उसके नेटलिटी पर, मोर्टेलिटी पर, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ये फोर फैक्टर हैं एंड इमिग्रेशन, ये फोर फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट नेटलिटी, नेटलिटी क्या है कि नेटलिटी रिफर टू द नंबर ऑफ द बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये नेटलिटी जिससे हम कह सकते हैं कि दैट इज ये बर्थ रेट है, तो बर्थ रेट इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर्टिकुलर एरिया का इंक्रीज होता है, तो नेटलिटी आल्सो नोन एज बर्थ रेट। सेकेंड हम देखते हैं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी तो इज द नंबर ऑफ डेड्स, तो मोर्टेलिटी डेड रेट को शो करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मोर्टेलिटी डेड रेट इंक्रीज और डिक्रीज है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट होता है इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन टाइम्स। तो मोर्टेलिटी डेथ रेट को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन ये दो वर्ड सिस्टम जो है जिसमें ओनली आई और ई का डिफरेंस है। इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशंस।
एंड सेकेंड पॉइंट इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट्स एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट्स इमिग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन जैसे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज किसी जो स्पीसीज में आ जाए तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इनक्रीज करता है, कहने में से एक इमिग्रेशन अगर इनक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन इमिग्रेशन अगर आप इनक्रीज कराएंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इनक्रीज होगा। और सेकेंड क्या है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज उस एरिया से कहीं चला जाए तो पर्टिकुलर एरिया से अगर स्पीसीज चला जाता है तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है। तीसरा स्टूडेंट से फोर फैक्टर हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। ये फोर फैक्टर में नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक जो है कि पूल के थ्रू हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी फोर फैक्टर्स को किया गया है, नेटेलिटी, नेटेलिटी, बर्थ रेट, नेटेलिटी को हम बी शो करते हैं, बी कैपिटल बी। सेकेंड पॉइंट है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी को हम जो है डी शो करते हैं जिसे कहते हैं डेथ रेट। नेक्स्ट है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन जिसे हम आई शो करते हैं, और नेक्स्ट है इमिग्रेशन से कैपिटल ई शो करते हैं। ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसमें से यह जो है नेटेलिटी, जैसे हमने बताया कि नेटेलिटी दैट इज बर्थ रेट, अगर नेटेलिटी नेटेलिटी बर्थ रेट अगर इंक्रीज होती है तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि यहाँ आपको प्लस शो किया जा रहा है। प्लस प्लस मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, ए मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मीन्स होता है डेथ रेट, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर डेथ रेट अधिक होगा तो उस स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी, जिससे माइनस शो किया गया है, इसका मीन्स है कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ जो आपको शो किया गया है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में हमने बताया कि जब कोई स्पीसीज बाहर से किसी पर्टिकुलर एरिया में आता है तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इनक्रीज होती है, तो यहाँ इमिग्रेशन को शो किया गया है आई से, और इमिग्रेशन होने पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, प्लस होगा, इसका मीन से पॉपुलेशन डेंसिटी इनक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ शो किया गया है इमिग्रेशन जो कैपिटल ई है, तो इमिग्रेशन में हमने आपको बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई स्पीसीज वहाँ से किसी अदर प्लेस पर चला जाए। जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई ऐसा जो है डिजास्टर्स आ जाए, जैसे कोई डिजीज स्प्रेड हो जाए, तो वहाँ से जो पर्सन्स हैं स्पीसीज हैं वहाँ से किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, या किसी अदर रीजन से जैसे साइबेरियन बर्ड्स हैं तो वो बर्ड्स अपने एरिया से कहीं और चले जाते हैं तो साइबेरियन में उसका नंबर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जहाँ जाएंगे जैसे हमारे हमारे कंट्री में जो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं तो हमारे यहाँ का जो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इनक्रीज होती है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको इमिग्रेशन यानी आई आई डबल एम आई इमिग्रेशन शो करेंगे, लेकिन जहाँ से आएंगे उसके लिए इमिग्रेशन हो जाएगा, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया पहुँचेंगे वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तीसरा से यह जो है कि फोर फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी स्पीसीज के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया पर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जिनमें फोर फैक्टर फॉलो करते हैं। इन फोर फैक्टर का नेम हमने आपको बताया नेटेलिटी जिसे हम कहते हैं बर्थ रेट, और इसको बी से शो करते हैं, बर्थ रेट इंक्रीज होने पर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट जिससे हम लोग जो है कि डी शो करते हैं, तो मोर्टेलिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्लियर। नेक्स्ट है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई स्पीसीज आता है तो इमिग्रेशन होता है, ऐसे कंडीशन पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट है इमिग्रेशन
या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज एरिया से कोई स्पीसीज किसी अदर प्लेस पर चला जाए, तो ऐसे कंडीशन पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स यह जो 4 पॉइंट है और इनके जो सिंबल हैं इसको अच्छे तरह आप चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी आगे हम एक आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बताएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में देखेंगे कि वहाँ आपको दिखाया जाएगा कि यह कैपिटल एन, कैपिटल बी, आई और ई क्या शो करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स।